वेलकम टू फिजिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग जैसा कि देखे थे लास्ट वीडियो में कि कार्बन अप रिएक्शन, आज हम लोग दोस्तों देखते हैं कार्बन डाउन रिएक्शन। तो कार्बन डाउन रिएक्शन आज का ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। हम लोग एक इससे पहले एक वीडियो देख चुके हैं इंटरचेंज ऑफ रिएक्शन के लिए, उसमें हम लोगों ने देखा था कार्बन अप कैसे करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाउन कैसे करें। आइए स्टार्ट। कार्बन डाउन रिएक्शन के लिए केवल एक प्रोसेस है, ओनली केवल वन प्रोसेस है आपके पास, वो है डीकार्बोक्सिलेशन। यदि आपको कार्बन को कम करना है तो उसके लिए आपको आना चाहिए डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन दोस्तों कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में जो हम लोग उत्प्रेरक यूज करते हैं, इसमें जो कैटलिस्ट दिया जाता है वह दोस्तों सोडा लाइम होता है। इसमें जो आपका उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट जो आपका लिया जाता है वह आपका सोडा लाइम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH और CaO का मिश्रण ही आपका सोडा लाइम कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है बीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि बीकार्बोक्सिलीकरण। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से इसका हम लोग बीकार्बोक्सिलीकरण करेंगे। देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आप एथेन से मेथेन कैसे प्राप्त करें, तो आप जानते हैं कि एथेन का यहाँ जो सूत्र होता है वह C2H6 है और जो मेथेन का सूत्र है वह है दोस्तों CH4। तो देखेंगे यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर हमारे पास केवल 1 कार्बन पाया जा रहा है, अर्थात उसे 1 कार्बन को कम करना है। तो 1 कार्बन जो कम किया जाएगा यहाँ पर वह कैसे होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, बी कार्बन। और जो बी कार्बोक्सिलीकरण किया जाता है उसमें जो उत्प्रेरक यूज होता है वह होता है सोडा। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से करें। हमें दिया जा रहा है C2H6, सर्वप्रथम हम इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रकाश की उपस्थिति में जब इसका क्लोरीनेशन होगा तो वह आपका बनेगा C2H5Cl। ये जो दोस्तों आपने C2H5Cl बना लिया है, इसके बाद इसका रिएक्शन करवाया जाएगा एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH अर्थात जलीय KOH के साथ। तो जब इसको हम लोग जलीय KOH के साथ डालेंगे तो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा C2H5OH और KCl आपका बाहर निकल जाएगा। इसी C2H5OH का हम लोग दोस्तों ऑक्सीडेशन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ PCC या पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका जब ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो यहां से हमें दोस्तों प्राप्त हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। प्राप्त एसिटाल्डिहाइड का हम लोग फर्दरली पुनः ऑक्सीकरण करवा देंगे। एक बार इसका पुनः ऑक्सीकरण जब करवाया जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल। प्राप्त एसिटिक हमने जो है इसी का हम लोग करवा देंगे दोस्तों क्या, सोडा। जब इसका दोस्तों सोडा लाइन करवाया जाएगा तो यहाँ से आपकी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। दोस्तों कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस। और जब यहाँ से आपकी ये CO2 गैस बाहर निकल रही होगी तो आपके पास शेष क्या बचा होगा, CH4। तो देखो हम लोगों ने कितने आसान तरीके से देखा कि एथेन से हम लोग मेथेन कैसे प्राप्त करें। ओके दोस्तों, आप बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। यदि आया है तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करें। धन्यवाद।